मेरा हाथ छोड़ो। मन्ने ही हाथ छोड़न की नहीं पकड़ा आगे। अच्छा और क्या? तो तू मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा? कभी नहीं। एक हफ्ते में अब याद आई कि मैंने किसी का हाथ भी पकड़ा और मैंने किसी से कुछ वादा भी किया? बोल। अरे याद तो हर पल आई। वो तो दिख ही रहा है। तो नहीं तो कही अब के पास होके दिखाइए। लगी बात, पेपर खत्म, प्यार शुरू। एक बार आके सिकल तो दिखा सके? हाँ तो अब जी भर के देख ले। और जो एक हफ्ते तड़पी हूँ उसका हिसाब? अरे वो तो मैं पूरा कर दूंगा। तेरा भी जवाब नहीं भाई, खुद ही तो रूठे और खुद ही रोवे। मैं खुद रहूं? और के? तुम रुलाते हो। मैं रुलाता हूँ और क्या। प्यार करना तो भाई कोई तेरे ते सीख के। देख फिर। अच्छा बाबा अच्छा, जब मन ने रुआया तो मैं ही मनाऊंगा। मैं बाजार जा रहा हूँ, बता के लाऊं तेरे लिए। अब लाओगे? और जो वादा करके गए थे वो अब भी नहीं लाए? वो के बताए थे ना। ओहो वो तो मैं भूल ही गया यार। फिर कहते खुद रूठती हूँ, भूला क्यों? आखिरी बार भूला हूँ बस, अब की बार भूला हूँ, फिर कभी नहीं भूलूंगा यार। तेरी कसम अब कभी नहीं भूल। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चूड़ी और कंगन अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। अरे बाबा बोल तो रहा हूँ, अब कल ला दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चूड़ी और कंगन। अरे सीटू और गुल्लू यार, तू मेरा पूरा नाम ले लिया कर। मुझे गुल्लू ना कह कर, तेरा देखम देखी सभी मेरा नाम बिगाड़े हैं। गुल्लू नाम कुछ बुरा है? गुल्लू तो नाम बुरा ना है। फिर तू ही तो गुल्लू कह रहे है, सब तो उल्लू कह रहे। अब हंसे मत, जल्दी चल। कहाँ? आज पूरे 500 रुपए का मैच लगा रखा, तू ही जीता सके हमें। थम जा तो मैं कपड़े बदल आऊ। अरे ऐसी चल। चल तो फिर। अरे कहाँ चल दिया, इंगे को तो आ जा। बोलो के बात है। अरे अब तो हो लिया, तेरे पेपर खत्म है। हो गए? लड़की खेत में आ जाइए, एक काटनी वहां बतेरा खुला घूम लिया। कल? कल कल क्यों? के सोचे लगा? कल तो मुझे मोटरसाइकिल ठीक करवानी है। अरे फिर हो जाएगी, पहुंच जाइए वहां, कदी मैं बाढ़ देखूं। पिताजी 2000 रुपए दे दियो। कहे के लिए देऊं? किसी ने खादर वाले ट्यूबवेल का पंखा तार लिया और खेत भरना। ये कौन है जो हर महीने पंखा तार ले? जीजाजी किसी पंडित वंडत को दिखा लो, न्यू क्या बेरा पटे। अरे ये सब ढोंगी हो। नदी के धोरे एक तांत्रिक आ रहा, सारी बात सच सच बतावे, उसके धोरे जा रहे। अरे बिना तांत्रिक के रह लो, अगर इनमें इतना सत होता ना तो मांगते फिरते ना। हम तो वैसे ही जा रहे। अरे छोड़ इन बात, तू अंदर अलमारी में रखे जा ले ले। गरीब का खेत भर गया ना तो पंखा 7 तार से लाइयो। चलो तुमने जीजा को तो पागल बना दिया, इसे मामा को कैसे बनावेगा? पागल बना दिया और क्या, ये पुराना पंखा बेच दिया, नया लिया, उस पुराने के पैसे कहाँ हैं? इसे मैं क्यों बेचता? अच्छा बुलाऊं से संदीप को, जिसे तो बेच का अपने यार को। तुम्हें पता ही है मामा, पैसे का सारा हिसाब किताब तो पिताजी अपने पास रखे हैं। मैं भी कहीं तो अपना खर्चा निकालूं। तन्ने तो अपना खर्चा काट लिया, अब हम कहाँ से काटे हैं? मामा वही ऐसा उपाय तो बता दे जिस टाइम मोटी धन दौलत हाथ में लगे। पता तो दूंगा, दावत देवेगा? कुछ तो बता मम्मा, दावत भी हो जाएगी। अरे अपनी साड़ी की शादी से मनीष से करवा दे। इस पे के हो जाएगा? इसी में तो बात है सारी, तेरे तो साड़ा है नहीं।
आधी तो दौलत यहाँ की मिलेगी, आधी वहां की मिलेगी। मनीष तो लेवे नहीं, राज करेगा राज। क्यों, कैसी कही? यूं तो ठीक कहे मामा, शादी तो करनी है मनीष की, और यहाँ और भी ठीक रहेगी। और तेरे पिताजी मान जाएंगे? पता नहीं, जिस जगह तो मैं मना लूँगा, तू अपने बहू से बात कर ले। आज ही करूँगा। समझ ले तो तेरी किस्मत खुल जाएगी। मेरी मेरी नहीं मामा, थारी दोनों की किस्मत खुल जाएगी। सारा दिन काम कर करके मैं तो बिल्कुल थक जाऊं। तनिक भी आराम ना है मेरे जी को। तुम्हें क्या हो गया जी? मैं कुछ सोच रहा हूँ। सोचते रहियो सारी उम्र। मेरी बात सुन, ऐसा ना हो मनीष की शादी कर दें, दजे भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। आगे कोई मुंह जोड़ तो। अरे सारी बात तो सुनती नहीं, बीच में ही बोल पड़े। कहो के कहना है? ऐसा ना करें, मनीष की शादी तेरी छोटी बहन कोमल ते कर दे, दोनों बहन मिलजुल कर रही हो। क्यों? बात तो थारी ठीक है, और मुझे भी उसकी चिंता रवे, जाने कैसा घर बार मिले। बता के करें फिर? मैं तो तैयार हूँ, पिताजी को समझा लो एक बेर। पिताजी को तो मैं अपने आप समझा लूंगा। तू तो न्यू कह रहा था तुझे बाजार जाना मोटरसाइकिल ठीक करवान, गया नहीं? अरे पिताजी भी ऐसे टाइम पे पकड़े हैं जब कोई जरूरी काम। क्यों, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया भाई? कल को चले जाइए मोटरसाइकिल लेकर। अरे बात मोटरसाइकिल की ना है। फिर कुछ ना, कहीं इसक पिसक का चक्कर तो नहीं? मैं रिस्क पागल हूँ। मैं पागल में कौन सा ही रोग होवे? इच्छे पीछे आदमी में होवे, आदमी तो पागल बाद में होवे। और मुझे तेरे में लक्षण दिखाई दे रहा पहले में ही। ये बता दे बा, रहा नहीं जा रहा। अरे बताऊंगा तो जब जब बात आगे बढ़े। बात को बढ़ा आगे? बात आगे जब बढ़ेगी, जब मैं जाऊंगा। तो जा फिर। और पिताजी आगे तो? ताऊ को तो मैं अपना आप संभाल लूंगा, पर तुझे एक बात करनी पड़ेगी। के सांझ को आगे तेरी बात बता दिए। ठीक है, तुम बैठो और मैं चला। सांझ को वहीं मिलेंगे अपने ठिकाने पे। भाई से टू बीड़ी कार्ड दम मारेंगे, कुछ जोश जास आ जाएगा। जोश को तो ना, तू जमीन फाड़ेगा। अरे तू कार्ड तो फेर देख। अभी देखती हूँ तुझे। छोड़ो ना मुझे, क्या कर रहे हो? डरा और डराओगी मुझे? देख लेना, एक दिन मैं तुम्हें भूत बन के डराऊंगी। भूत? अरे बाप रे, डर गया मैं तो। देख तेरी निया क्या लाया। कंगन। देख ले मैं भूला नहीं। मेरा असर होने लगा तेरे पे। तेरा असर? और क्या, मैं कुछ भूलती हूँ भला? सोच ले। सोच लिया, मैं कुछ नहीं भूलती। तने की वादा करा था मन्ने? तने वादा करा जब मैं कंगन लाऊंगा तो। तो
आ गया। अच्छा मेरे से चलाकी? तू कहाँ आया? मैं तो अभी 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 आया। अंदर बैठ। बाहर क्यों खड़ा? सविता कहाँ है? सना मैं तो अभी 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 आया हूँ। सविता मेरा दोस्त आया और तू बैठने को भी नहीं कह सकती। मुझे पता ही ना चली। कंगन? ये कंगन कहाँ चलाई? ये अभी खरीदे आया था एक बेचने वाला। 5 मिनट तो मुझे होली, जब तक तो कोई आया ना है। मेरे से पहले आया था। अच्छा चल फटाफट 2 कप चाय बना के ला। मैं कपड़े धो रही हूँ। बाद में धो लिए? हाँ बाद में धो लिए। क्यों ठीक ना कह रहा हूँ पिताजी? अरे रिश्ता तो इसका करना, मेरे द्वारा भी कई रिश्ते वाले आ लिए, मैं सोच रहा 1-2 साल और रुक जाते। यो उम्र ठीक है जीजा जी, पढ़ाई भी खत्म होली, देखे बिगड़ते देर ना लगती, जिम्मेदारी आ जाएगी तो काम पे भी लग जाएगा। इसका ब्याह कर दिया, ये कौन सा पहाड़ तोड़ रहा? क्यों करता ना हूँ मैं काम। चुप रह अजय। जीजा जी तुमने क्या सोचा? अरे ठीक है जिस दिन मौका मिलेगा जाकर मैं इसके ससुरे से करी अम्मा बात। मौका के जब करना है तो चले जाओ। ठीक है देख लूंगा किसी दिन। वह छोरी भी ठीक है, परिवार भी देखा वाला है, दोनों बहन एक जगह रह लेंगी, पता नहीं अगली कैसी आवेगी। ठीक है। के गेर दिया बिल्ली। सविता क्या कौन है? कहीं छोरा गलत चक्कर में तो नहीं पड़ गया? पता करना पड़ेगा। हाँ भाई इधर को तो आ। मेरे ते कह रहे के कुछ? कह तो रहा तेरे ते ही, सुनेगा तो। हाँ बोलो। ये सविता कौन है? सविता होगी कोई? तुझे नहीं पता? मुझे क्या पता। अच्छा तो कल मैं अजय की ससुराल जा रहा हूँ। क्या तो फिर चले जाओ। नू नहीं पूछा क्यों जा रहा? कुछ काम ही होगा जब जा रहे हो तो। पर काम तो तेरे ही जा रहा। मेरे काम से? तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। मैं ना कर रहा अभी शादी वादी, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तुम्हें अचानक ये शादी की क्या बात है? कुछ बात होगी के? बताई तो थी। मैंने ना सुनी। सुन के केक रखा, जो मजे करना मैं आप करी अम्मा। बताओ तो सही। तेरी शादी की बात करने जा रहा हूँ, अरे फोटो तो देख ले। मैं ना देख रहा फोटो। अरे देख तो ले। यू थारे पे कैसे आया? यू के चक्कर है, तू पढ़ने जावे और यू के पीछे जावे। पिताजी ये सविता है, मैं इससे शादी करना चाहूँ। पर यू कौन है, किस खानदान की है, तुझे पता कुछ? पिताजी ये जखोली गांव की है, चौधरी बलजीत की लड़की, इसका भाई मेरी गैली पढ़े। बलजीत की छोरी? तो प्रधान दिखे है। तुम जानो इन्हें? बड़ा पुराना यार है वो मेरा, कभी हम भी एक साथ पटक रहे थे। अब तो मिलना ही पड़ेगा बलजीत से। क्यों? तेरा उससे मिलना भी तो बंद करवाना पड़ेगा। बोलिए। प्रधान का घर यू ही है बेटी? हाँ जी यू ही है।
बेटी मिलना था उनसे। आ जाओ बैठो, अभी आने वाले हैं बाबूजी। बैठिए, मैं चाय बना के ला दूं। मैं बेटी उन आलंदे जब ही पियेंगे। ठीक है। बेटी पढ़ती ना तू? 12वीं पढ़ी है, पिताजी शहर भेजते ही ना। हमारे छोरे की भी पढ़ाई पूरी होली। अच्छी बात है। बेटी घर का काम तो सारा आवे तेरे पे। कहीं ये बुड्ढा अपने छोरे से मेरी शादी का चक्कर तो ना चला रहा? क्यों या बेटी, सारा काम आवे बस तो फिर कोई दिक्कत ही ना। इसे तो भगाना पड़ेगा, ये तो ताल बढ़ा रहा अपनी। तेरी माँ कहाँ है बेटी? तुम्हें मेरी माँ से मिलना, पिताजी से। बेटी मिलना तो तेरे पिताजी से था, पर मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मेरी माँ से मिलने के लिए तो तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। पर कुछ काम कर रही? मेरा मतलब है भगवान धोरे जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। तो समझ गया बेटे। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते भाई, तू ही है कपिल? हाँ मैं ही हूँ, आया तो था कपिल के गैल घर, पहचाना नहीं आपने? जब ध्यान तक हाँ देखा था, पर नो तो बता बलजीत ना हरा के आन लग रहे। सविता चाय ना लाई? आ जाएगी बेटा, चाय भी आ जाएगी, कोई बात। व्यान लग रहे पिताजी, मैं चाय लाऊं। पता कौन आया? पता है, एक बुड्ढा आया है। यू भी पता वो बुड्ढा कौन है? मुझे क्या लेना, मुझे तो न्यू लगे वो मेरे रिश्ते की बात करने आया। कभी अपने बेटे के बारे में बात करे, कभी न्यू पूछे कि तुझे सारा काम आवे, कभी पूछे रोटी बनाना आवे। चाय वाय तो बना ले कुछ। मेरी बस की ना है, मेरे सर में हो रहा दर्द। मुनीस के पिताजी हैं, कम से कम एक कप चाय तो पिला दे, रही शादी की बात वो मैं मना कर दूँ पिताजी से। मनीष के पिताजी? मेरा दोस्त नाम मनीष है। मैं तो गुस्से में उनसे उल्टी सुद्धी बोल रही थी। तो क्या हो गया, तुझे कौन शादी करनी है? मनीष कोई बुरा थोड़ी है। अच्छा महावीर जी, मारी पहले आपसे दोस्ती थी, अब जो है दारी में बदल गई, इससे अच्छा और क्या होगा। तो साहब ये तो भगवान की मर्जी है, कितने दिन बाद मिले, पर अब तो मिलते ही रहेंगे। हाँ भाई, कुछ लड्डू शड्डू तो ला, मुंह मीठा तो करा। अभी ला रही है सविता। ले बेटा। ले लो बेटा, ले लो, ले लो, मेरी इनकी बात हो चुकी है, ले लो बेटा, ले लो। पता नहीं तड़की ते पिताजी कहाँ चले गए, आ जाते तो चले जाते वार होन लग रही। कहाँ चले गए थे पिताजी? वो धर्मपाल याद कर रहा था मैं किसी जरूरी काम से कहा था। मैं तुम्हारी बाट देख रहा था। आलंदे धर्मपाल को के जुलम हो गया, मैं आप मिल लूंगा। वो बात ना है। और फिर चंचल नू कह रही थी मेरा अपने घर जान का जी कर रहा, मैं नू सोच रहा आप ही चले जाते, उस मनीष के ब्याह की भी बात करी आते। मनीष के ब्याह की? मनीष के ब्याह की बात तो करिया मैं। कदम करिया है? आज मैं कहीं गया था, बात जमगी करिया पक्की। तम तो हमारे से यूँ कह रहे थे कि साड़ी से करेंगे। बात ही कुछ ऐसी थी, ना ना ही माँ। यू के बात हुई? अरे बात के होती, जोड़ी मैं थोड़ा ही बनाऊ, भगवान बनावे, हाँ संजोग हो वही तो होगा। पर तम तो ऐसा है, जहाँ मैं लड़की देख का है ना, उनके एक लड़का भी है, खानदान भी बढ़िया है, यू अपनी साड़ी की शादी वहाँ करवा देगा। अच्छा मैं चलू, धर्मपाल आया था, पता नहीं के बात है, उससे भी मिली हूँ। मरवा दिए ना मम्मा, जब तो नू कह रहा था सब संभाल लूंगा मैं, अब ले लेना मजा। मेरी समझ में नू नहीं आ रहा, जिज्जा पहले तो कह रहे थे, एकदम कैसे बदल गए? मजा तो नू लगा, मनीष ने कुछ करया। मनीष क्या करता? कुछ ना कुछ चक्कर तो है। कुछ भी चक्कर हो, फसवा दिए इस मामा ने। पहले तो नू कह रहा था अरे किस्मत खुलेगी, पता नहीं के कह रहा था। अगर मेरे हाथ में बात होती ना फिर देखता, और जब मेरे हाथ में बात आ जाएगी वारे के न्यारे कर दूंगा देखिए। चलो अब तब मना ही कुछ सोचना पड़ेगा,
सोचते ही रहियो। जब तो बड़े बड्डे मार रहे थे, मैं करवाऊंगा, यू करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, रह गए ना मूल खाते। तू चुप रह, दिमाग मत ना खराब कर। अब तो ऐसे खराब करूंगी। हमारे पिताजी ऐसे निकले, पता नहीं कहाँ लुट के आए। मजा आवे। और जिस दिन मैं डराऊंगी? मजा आवे। मैं नहीं करती। यू पल्लू तो ठीक कर ले। मैं नहीं करती। अब तू पल्लू करना सीख ले। क्यों? लाओ दीदी, मैं लगा दूंगी झाड़ू। तू रहने दे, गांव की कोई सड़क आ गई और देख लिया तो न्यू कहोगी लगा दिया आते ही काम पे। अपने काम में कैसी शर्म दीदी, मारे काम आने है तू, ले लगा ले। हाय, मारी कुकर होकर होवेगी, मारी तो कमरी ठीक न रहती। लाओ दीदी, मैं धो दूं। ना भाते किसी के धोए हुए, तनिक सा दाग भी राजा तो रोड़ा हो जा। मैं अच्छी तरह धो लूंगी दीदी। ना मानती तो ला धो ले। दीदी मैं धो लूंगी। ना मानती, ले अच्छी तरह धोइए, ना धुले तो पहले बता दिए। आज तो सब्जी सविता ने बनाई जी। तुझे बनानी हो तो बना दिया कर, तब ये सीख जाओगी या बना दिया करेगी। तुझे यहाँ कितना काम करना पड़े, पूरा दिन लगी रहे। तो क्या हुआ, भला अपने घर में भी कोई काम करते हुए थकता है? हाँ, तुझे थोड़ी परेशानी तो होगी, पर सब ठीक हो जाएगा। तुम देख लेना, एक दिन मैं सबका दिल जीत लूंगी।
और मेरा दिल? हमारे पास दिल ही कहाँ है? तेरा मतलब है मेरे धोरा दिल ही ना है? और क्या? अच्छा क्या 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 सारा काम तो ऐसा बताना पड़ा है, अपने आप तो यह कुछ कर ही नहीं सकती। बेरा नहीं पिताजी को उसमें के पसंद आया, ले आए इसे। ऐसे ही फिरते रहियो, कुछ सोचियो मत। सोच तो रहे हैं, और के करे? फिर के सोचा? जंगल में एक तांत्रिक रहवे, हर बात सच सच बतावे, गारंटी से इलाज करे हर चीज का। फिर हम के करे? हमें के करना था, अब तो तांत्रिक करेगा। मतलब? मतलब मतलब यू कि कल उस तांत्रिक दौरे चलना है। कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए मामा। तो चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगा। मैं, सुनील और मालती तुझे वहीं मिलेंगे, तू चंचल को लेकर आ जाइए। ठीक है मामा। कहाँ गए सब? मामा जी, भाई साहब और मालती दीदी तो खेत को गए। और भैया भाभी? वो डॉक्टर को गए, वो दीदी की कमर में दर्द था ना। मतलब मैं और तू अकेले हैं? तो क्या हुआ? अरे ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ बाबा, कुछ नहीं। अब तो जो होगा वो। वो क्या? अब तो जो होगा वो 9 महीने बाद होगा। मुन्ना चाहिए। और मुझे मुन्नी। मुन्ना। मुन्नी। मुन्ना। मुन्नी। मुन्ना। मुन्नी। ओम कलीम चामुंडा विजय। ओम हीम कलीम चामुंडा विजय। साया। आत्मा का साया। आत्मा का साया? तुम सब पर बुरी आत्मा का साया है। के करे बाबा, बस टाइम ही खराब चल रहा। वक्त नहीं बच्चा, आत्मा का साया तुम्हारी साथ चल रहा है। फिर बाबा इस आत्मा के साये को हटाओ। हट जाएगा पर। पर के बाबा? ओम सपनेश्वरी दर्शाय, ओम हीम कलीम दर्शाय। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ बाबा? बहुत मुश्किल है बाबा, आपके लिए भी मुश्किल है। हमारी छोड़ मूर्ख, तू अपनी सोच। हम थारे दोरा आए हैं बाबा, कुछ तो करो। इसके लिए तो धूना चढ़ाना पड़ेगा। धूना बाबा? हाँ, 5 दिन तक एक टांग पर खड़े होकर तपना पड़ेगा। बोलो कौन करेगा? बाबा, इसके अलावा कोई और उपाय है? उपाय है, ये धूना हम करेंगे। इसके लिए तुम्हें 2100 रुपए देने पड़ेंगे। बात यह है, तुम्हें किसी नई दुल्हन की बलि देनी पड़ेगी। बोलो तैयार हो? बलि? बलि कहाँ से ले आऊं? इसके बाद जो तुम चाहोगे वही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बाबा, हमारा कोई बच्चा ना, कोई बच्चा हो सके? बलि के ठीक 3 महीने बाद तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। पर बलि बाबा? अगर तुम बलि नहीं दोगे तो आत्मा तुम में से किसी की बलि अपने आप ले लेगी। अच्छा बाबा, हम कुछ करते हैं। तुम जो बलि दोगे उसका थोड़ा खून और 5 बाल मुझे दे जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा बच्चा। ठीक है बाबा। अच्छा बाबा, हम चलते हैं। नमस्कार बाबा।
तांत्रिक है, पूरा चंडाल लग रहा, बलि तो ऐसे मांग रहा जैसे परोसा मांगे। एक बात तो सोचो, अगर एक बार बलि चढ़ गई ना तो सारों की किस्मत खुल जाएगी। बाबा ने तो बचाने का वादा भी करा है। तुझे तो बच्चे की पड़ रही, यहाँ कंगाल होए पड़े हैं। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। कहाँ ढूंढते फिरेंगे, नहीं दुल्हन है मामा, तने भी फसवा दिए, मन में बहम और बढ़ गया। मामा की गलती ना है, 5 साल हो गए हमारी शादी को, जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है, जब भी तुम्हारा घर सुनना पड़ा। मुझे तो लगे किसी आत्मा का साया ना, यू सविता ही मनुष्य दिखे, जिस दिन से आई उस दिन से औठम ही हो रहे, परसों बच गई बिजली पकड़ लेती। मैं बच गई, रोटी बना रही थी, लग जाती साड़ी में आग। क्या बात तो है, इसके आते ही पिताजी भी बदल गए, मारी तो कदी सुनते ही नहीं। आगी ना टहल करने वाली, इब के जुरते मारी। भाभी तो उनके आते ऐसे करे जैसे कितना काम करे है। आपस में बकवास बाजी मत करो, जो बात की जड़ है उसको सोचो। मामा तू ही बता, तू ही ले गया था हमें तो। मेरी बात सुनो, एक रास्ता मिल गया, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटे। ऐसा हो सके? मेरी बात सुनो, पूरे को आ जाओ। लाओ भाभी मैं धो दूंगी, आप आराम कर लो। नहीं नहीं दीदी मैं कर लूंगी, कभी मारी बात भी मान लिया कर। सरिता ला मैं कर लूंगी, तू तो सारा दिन लगी रहे, आराम कर ले। नहीं भाभी मैं कर लूंगी। अरे कर लंदे, डॉक्टर कह रहा मैं जितना काम करूंगी उतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगी, क्या तू नहीं चाहती मैं जल्दी ठीक हो जाऊं? ठीक है भाभी दो कर। गए के मामा? के बाजार, जल्दी कर लो काम को। क्या बात है? बड़ी कैडी जान लगड़ी इसकी, चलो ले चलो नीचे ले चलो इसे। चल इनके से टांग पकड़ इसकी। अरे
रहा है मामा, जो के करवाएगा अब ठीक है। रसोई में गिर गए, मिट्टी का तेल आग लगा दो, कह देंगे गैस का सिलेंडर खुला रह गया, चढ़ के मर गई। सारे मिल रहे अरनाश की जड़ वो बिरजू मामा है लगा तो ऐसा ही है। पता ना क्या क्या कर रही होगी उसके, क्या बेचारे मनीष की तो जिंदगी खराब कर दी। जमाई भी तो नहीं पड़ा रहा। मालती भी ना जाती ससुराल, जाकर काम करना पड़ा है ना वहाँ। बड़ा बुरा हुआ, करनी तो अग्गा आएगी इनके, देख लियो। मुझे तो यार गर्मी लग रही, चल 12 पे चल के नाम है। पर यार मैं तो कच्चा भी ना पहन रहा। आज तो मैं भी कच्चा ना पहन रहा। तू तो पहन रहा मनीष, तेरे से ही काम चला लेंगे। यो भी ना पहन रहा। क्यों इतना घुट रहा, तेरे घुटने से क्या हो जाएगा? तू मेरा दोस्त है। यो भी क्या बात पूछी तन्ने? तो मुझे अकेला छोड़। कैसी रही मामा? रहती के दे आया। कुछ कह रहा था कपाला? यूं कह रहा था 3 दिन पीछे सबके भाग खुल जाएंगे। छाड़ी जिंदगी तो ईब चमकेगी मामा, ईब मिलेगा जो सोचा था। तू एक काम कर, तू अपने ससुराल जा फटाफट और अपनी साड़ी को ले आ। अभी कौन सी जल्दी है मामा? तुझे नहीं तो नहीं पता, मनीष इस टाइम अकेला पड़ गया, उसे सहारे की जरूरत है। कोमल आ जाएगी तो उसका सहारा बन जाएगी, उसका कुछ ख्याल रखेगी। उनमें थोड़ी सी बात बनी, फिर बाकी काम हमारा।
अच्छा तो मैं पिताजी तक पूछ लूं, फिर कल चला जाऊंगा। पिताजी? फिर पिताजी? पिताजी तक पूछी तो एक बार, अब तो जो भी कुछ करेंगे हम ही करेंगे। अच्छा यह बात है तो मैं आज ही चला जाऊंगा। अब की बार कोई गलत चाल नहीं चलूंगा मैं।